राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज चुनाव आयोग ऐलान करेगा। दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग। 24 जुलाई तक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल है और अब राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं, इसका औपचारिक ऐलान आज दोपहर 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेगा चुनाव आयोग। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता फोनलाइन पर। अविनाश, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा और अगर आज राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान करता है चुनाव आयोग तो फिर आगे की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो वर्तमान के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, वो भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं और भारत के 15वें राष्ट्रपति के लिए अब चुनाव होना है, क्योंकि वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई तक है, लिहाजा उसके पहले अब भारत को अगला राष्ट्रपति चुनना है। इसी को लेकर के चुनाव आयोग आज ऐलान करेगा कि कब नामांकन की आखिरी तिथि होगी, किस दिन मतदान होगा और किस दिन मतगणना होगी। तो तमाम सारी प्रक्रिया चुनाव आयोग अपनी ओर से आज घोषित करेगा। अगर बात करें तो देश के जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें देश भर के जितने भी विधायक हैं, चाहे वो एमएलए हों या एमएलसी हों, वो वोट डालते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जितने भी सांसद हैं, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के, ये मतदान करते हैं। इन तमाम तरह की जो मतदान प्रक्रिया है वो काफी लंबी चलती है, क्योंकि तमाम तरह विधानसभा की ओर से अपने अपने मत आते हैं और उसके बाद फिर उन मतों की गणना की जाती है और फिर भारत के नए राष्ट्रपति के नाम का ऐलान किया जाता है। उसी को लेकर के अगर आज बात करें तो चुनाव आयोग अपनी ओर से घोषणा करेगा कि किस दिन मतदान होना है और किस तरीके से आगे नामांकन की प्रक्रिया चलेगी, नामांकन की आखिरी तिथि क्या होगी। इन तमाम सारी चीजों को लेकर चुनाव आयोग आज 3 बजे दोपहर में विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जहां पे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के तारीख और नामांकन को लेकर तमाम तरीके से ऐलान करेगा। चुनाव आयोग की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जैसा कि अविनाश बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश। 24 जुलाई तक वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल है, उसके पहले नए राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाएगा। भारत के प्रथम नागरिक का, भारत के संवैधानिक प्रमुख का निर्वाचन होना है और ये प्रक्रिया आज के इस ऐलान के बाद से शुरू हो जाएगी। अगली बड़ी खबर लखनऊ से है। भाजपा के उम्मीदवारों ने नामांकन किया है थोड़ी देर पहले। बीमार नरेंद्र कश्यप नामांकन करने के लिए नहीं पहुंचे, मंत्री हैं। उनके नामांकन की कागजी प्रक्रिया सतीश शर्मा ने पूरी की है और नामांकन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। तस्वीरें देख लीजिए आप नामांकन के दौरान की। ये कुछ मिनटों पहले यह प्रक्रिया संपन्न हुई है जिसकी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं और आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं अलग अलग उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। भूपेन चौधरी ने नामांकन दाखिल किया, ये आपने देखा। दया शंकर मिश्र दयालु ने जब नामांकन दाखिल किया तो वो तस्वीरें इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी हैं। ये देखिए आप, ये सभी मंत्री हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में और इनका किसी न किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक था और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि इन्हें विधान परिषद भेजा जाए और इसी प्रक्रिया में, इसी क्रम में अपना नामांकन उन्होंने थोड़ी देर पहले दाखिल किया है। ये देखिए आप, अपने नामांकन पत्र को सबमिट किया दयाशंकर मिश्र दयालु ने। तो अलग अलग उम्मीदवारों ने नामांकन किया जैसा कि आप देख पा रहे हैं। नामांकन पत्र भरा, दस्तखत किए और शपथ पढ़ी, ये सारी प्रक्रिया संपन्न की गई। मुख्यमंत्री इस पूरे दौरान वहीं पर मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे जैसा कि आप देख सकते हैं और मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को भी आप देख सकते हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपना नामांकन दाखिल किया, ये देखिए आप। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसे अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, सबमिट किया, सौंपा निर्वाचन अधिकारी को, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। शपथ जब पढ़ रहे थे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उस वक्त की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। ऐसे नामांकन संपन्न हुआ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का। आगे बढ़ेंगे। कानपुर हिंसा का एक और वीडियो सामने आ गया है। वीडियो में उपद्रवी पत्थर बरसाते दिख रहे हैं। हमलावरों ने गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की है, उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की है और सामान भी लूटा है और ज्यादातर उपद्रवियों ने अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कैसे इस बाइक को घिराकर इसे नष्ट किया जा रहा है वो भी आप देख सकते हैं इन उपद्रवियों के द्वारा और ये भी बहुत साफ देख सकते हैं कि इन उपद्रवियों ने अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा है। 3 जून की हिंसा का ये वीडियो सबसे ताजा वीडियो और देखिए कैसे यहां पर पत्थरबाजी की गई और चीजों को नुकसान पहुंचाया गया, तोड़फोड़ की गई।
ये इन तस्वीरों में 3 जून की बहुत साफ जाहिर, बहुत साफ देखा जा सकता है। ये सबसे ताजा सीसीटीवी फुटेज कानपुर की हिंसा का। उपद्रवी आता है, इस बाइक को गिरा देता है और उसके बाद दूसरे उपद्रवियों ने कैसे तोड़फोड़ की इसके साथ, इसको नष्ट करने का प्रयास किया, वो भी आप बहुत साफ देख सकते हैं। कानपुर हिंसा का यह सबसे ताजा सीसीटीवी फुटेज, जमकर तोड़फोड़ की गई और यह रिएक्शन नहीं दिखता, यह प्रतिक्रिया में किया गया हमला नहीं दिखता या पत्थरबाजी नहीं दिखती। ये देखिए आप, क्योंकि कोई और वहां पर नजर नहीं आ रहा। उपद्रवियों ने जो एक ही साइड के थे, एक ही पक्ष के थे, उन्होंने कैसे तोड़फोड़ की, कैसे पत्थरबाजी की, कैसे नष्ट किया वहां पर चीजों को, वो बहुत साफ देखा जा सकता है। इन उपद्रवियों का एक और पोस्टर आज जारी करेगी कानपुर की पुलिस। तो कानपुर में हुई हिंसा के बाद वहां के जिलाधिकारी रही नेहा शर्मा को हटा दिया गया है, उनकी जगह नए जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर ने चार संभाल लिया है। विशाख जी अय्यर का कहना है कि कानपुर में पुलिस के साथ समन्वय बनाकर वो काम कर रहे हैं। कानपुर एक कमर्शियल सिटी है जहां के लोगों से अपील है कि वो शांति और अमन बनाए रखें। हिंसा हुई थी और उसको लेकर इस बार शुक्रवार को कोई ऐसी बात ना हो जिससे लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को पे लिए चैलेंज हो। हमारे साथ नए जिलाधिकारी कानपुर के विशाख जी अय्यर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बीते शुक्रवार को हिंसा हुई, इस बार किस तरीके से इंतजाम आप लोग कर रहे हैं? देखिए, विगत कई दिनों से स्थानीय स्तर पर पुलिस प्रशासन और जो हमारी मजिस्ट्रेट्स की टीम के द्वारा लगातार लोगों के साथ संवाद स्थापित किया जा रहा है और लगातार क्षेत्र में भ्रमण किया जा रहा है और वहाँ पे क्षेत्र में लोग अभी लगातार मौजूद भी हैं। आज भी जो शाम को हम लोगों का एक बैठक का कार्यक्रम प्रस्तावित है जिसमें जो क्षेत्र के सभी संबंधित गणमान्य नागरिकों के साथ संवाद स्थापित किया जाएगा और पूरी तरफ से प्रशासन और पुलिस के द्वारा एक स्ट्रैटेजी बनाई गई जिससे शहर में अमन चैन बना रहे और शांति व्यवस्था कायम रहे। कल का दिन काफ़ी चुनौतियों भरा रहने जा रहा है, उसको लेकर किस तरह से शहरवासियों से अपील कर रहे हैं और अराजक तत्व और उपद्रवी पर कैसे निगाह रखें? देखिए, शहरवासियों से सबसे पहला ये अपील है कि कानपुर एक कमर्शियल सिटी और कमर्शियल हब के रूप में जाना जाता है और किसी भी निवेश, किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक स्टेबल वातावरण बहुत अनिवार्य है। कानपुर का जो वो एक निवेश का जो एक कैपिटल के रूप में जो एक इमेज है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग मिलकर के प्रयास करें ताकि शहर में अमन चैन बना रहे, शहर का एक प्रोग्रेस हो और शहर में और निवेश और कमर्शियल एक्टिविटीज़ बढ़ता जाए। जिला प्रशासन पुलिस समन्वय बना करके अपना काम कर रही है और शुक्रवार को लेकर सभी सतर्कता बरती जा रही है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और एक बड़ी खबर आपको दे दें, कानपुर हिंसा में विदेशी फंडिंग के एंगल के बाद अब ईडी सक्रिय हो गई है। निदेशालय से पुलिस कमिश्नर को पत्र भी आया है इस बाबत, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है हमारे पास। हयात और उसके साथियों का ईडी ने ब्यौरा मांगा है, पीएफआई के जो गिरफ्तार सदस्य हैं उनके बारे में भी जानकारी मांगी गई है, उनका भी ब्यौरा मांगा गया है ईडी के द्वारा। सीएए विरोध प्रदर्शन के दौरान भी हयात को मोटी रकम भेजी गई थी और इसीलिए ईडी यहां पर सक्रिय हो गया, ब्यौरा मांग लिया गया है हयात जफर हाशमी और उसके साथ। सीएए विरोध प्रदर्शनों के दौरान भी मोटी रकम भेजी गई थी, ऐसी जानकारी हाथ लगी है। और कानपुर से ही खबर है, ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल के महासचिव का बयान आया है, किसी के बहकावे में ना आए युवा, यह हाजी सलीस का कहना है। प्रदर्शन करना है तो पत्थर लेकर नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से करें। सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने की अपील भी उनके द्वारा की गई है और करीब 70 मस्जिदों में जुमे की नमाज के लिए उन्होंने पत्र लिखा। देखिए क्या कह रहे हैं, हमारे साथ सुन्नी उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय महामंत्री साहब हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए कि क्या अपील आप कर रहे हैं? ये सबसे पहली बात तो ये, हम आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम हिंदू मुसलमान जो इस शहर के बाशिंदे हैं वो आपस में उसी तरह से रहें जिस तरह हसरत मानी और गणेश शंकर विद्यार्थी ने हमको प्रेरणा दी है, उनसे प्रेरणा लेके हमको रहना चाहिए। हमने एक ख़त आइमा मसाजिद के नाम जारी किया है ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल की जानिब से कि आप अपनी मस्जिदों में जुमे के खुतबे से कबल जो लोगों की इस्लाह के लिए तकरीर करते हैं उसमें इस चीज़ को मेंशन कर लीजिए कि ये शहर हमारा है, हम सब आपस में एक दूसरे से भाई भाई हैं,
लिहाजा हम को संविधान में ये अधिकार दिया गया है कि हम अपना प्रोटेस्ट करें, लेकिन हमें प्रोटेस्ट गांधी के तरीके से करना चाहिए। हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे हिंसा प्रदर्शन हो। और प्रोटेस्ट में हम जिनकी काल पर प्रोटेस्ट में अपने घरों से या दुकानों से निकलते हैं, तो उनकी काल पर हमें कम से कम जब वो मना करें कि आप बैक हो जाइए, तो आपको बैक हो जाना चाहिए। क्योंकि जब तक नौजवानों के अंदर इस तरह का जज्बा नहीं पैदा होगा, कोई भी सही और सच्चा आदमी बढ़कर उनकी क़यादत नहीं करेगा। नतीजा क्या होगा कि बग़ैर क़यादत की भीड़ हाथ में पत्थर लेगी और अपना सर फोड़ेगी या अपने भाई का सर फोड़ेगी। इससे हमें इज्तनाब बरतना चाहिए, गुरेज करना चाहिए। और ये एजुकेट हम मस्जिदों से बआसानी कर सकते हैं। इस सिलसिले में हमने 60-70 मस्जिदों के इमामों को एक खत जारी किया है और ये सिलसिला हम आइंदा भी जारी रखना चाहते हैं। ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो आग में घी में आग डालने का काम करते हैं कि आग लगा देते हैं, ऐसे बयानों से उकसावे की बात करते हैं? इस्लाम के नज़दीक फितना कत्ल से बड़ा गुनाह है। अगर किसी शख्स के किसी अमल से फितना पैदा हो रहा है, तो वो समझ ले ना अल्लाह उससे राज़ी होगा, ना दुनिया में उसको लोग अच्छा कहेंगे। दुनिया में भी जलील और रुस्वा होगा, कानून के नरगे में आएगा और आखिरत में भी उसका ठिकाना जहन्नम होगा। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और कानपुर हिंसा से जुड़ी एक बड़ी खबर अब आपको देने जा रहे हैं। जांच के दायरे में आ गए हैं क्षेत्रीय ACP और SHO। घटना के चंद मिनट पहले तक दोनों जफर अयात हाशमी के संपर्क में थे। बड़ी खबर। SIT, ACP, SHO और क्षेत्रीय चौकी इंचार्ज से पूछताछ करेगी। हमारे साथ ACP अनवरगंज अकमल साहब, हमसे बात कर लेते हैं। अकमल साहब, कहा जा रहा है कि आप लगातार मास्टरमाइंड के संपर्क में थे। देखिए, ऐसा है कि जो हयात जफर हाशमी है, इसने जो है कॉल दी हुई थी 3 तारीख को बंद की। हमें 1 तारीख को ही पता चला इस चीज़ को लेकर के कि 3 तारीख को बंद का आह्वान है। और ये सभी अधिकारियों ने इस पे ये बहुत ही इसको सीरियसली टेकअप किया और ये कहा कि इनसे वार्ता की जाए कि क्योंकि हमारे यहाँ 3 तारीख को जो उस दिन VIP मूवमेंट भी था, तो मैंने इन सारी चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए उसको जो है वार्ता करने के लिए अपने कार्यालय में बुलाया था और उससे वार्ता भी की। और वार्ता करने के पश्चात हम लोग इस नतीजे पर पहुँचे थे कि 1 तारीख को जो है किसी भी प्रकार का जो है बंद नहीं होगा। उसको ताकीद की गई थी और निर्देश भी दिए गए थे, कड़े निर्देश दिए गए थे कि 3 तारीख को किसी भी हालत में वो बंद का जो है आह्वान नहीं किया जाएगा। जहाँ तक रही संपर्क में रहने की बात, चूँकि जब हम किसी से कोई चीज़ स्वीकार कराते हैं तो उसके पश्चात हम लगातार उसके संपर्क में रहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी गतिविधि है जिसकी वजह से जो है हमें और ज़्यादा अलर्टनेस की ज़रूरत है। लेकिन उसने लगातार हमें इस बात का आश्वासन दिया कि इस प्रकार की कोई भी गतिविधि जो है वो नहीं की जाएगी। रही बात 3 तारीख को बात करने की, तो निश्चित रूप से मैंने उससे 2-3 बार बात की, क्योंकि ये 12 बजे के आसपास हमें ये सूचना मिली कि शायद जुमे की नमाज के बाद कुछ लोग इकट्ठा हो सकते हैं। तो हमने उससे वार्ता की कि इस तरह की कोई बात हो रही है, तो उसने उस टाइम ही मना किया कि नहीं, इस टाइम कोई इस तरह की वार्ता कोई भी चीज़ नहीं है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।